भाजपा विधायक जनकराज और पूर्व विधायक जियालाल कपूर ने मणिमहेश यात्रा के दौरान अव्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए प्रशासन से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कदम उठाने की मांग की है। जनकराज ने कहा कि सड़कों का उचित रखरखाव ना होने के चलते घंटों जाम लगा रहता है, वहीं मादक पदार्थों की बिक्री भी सरेआम की जा रही है, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। जनकराज ने कहा कि यदि जल्द इन व्यवस्थाओं में सुधार ना किया गया तो सत्र के दौरान सरकार के समक्ष इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। इस बीच उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध और सुरक्षा व्यवस्था सुचारू करने की सरकार से मांग की। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो बहुत पहले से इसके लिए हम लगातार जिला प्रशासन से और भरमौर के स्थानीय प्रशासन से ये आग्रह करते रहे कि अपने पिछले अनुभवों के आधार पे हमने देखा कि जो संख्या लोगों की आ रही है और जो इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए गए हैं वो नाकाफ़ी हैं, तो हमने एहतियातन प्रशासन को, जिला प्रशासन को और भरमौर एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस बारे में कहा कि लोगों की सुविधा के लिए कच्चे रास्ते जो हैं वहाँ पर पुलियाँ बनाई जाएँ जहाँ खड्ड नाले हैं, और साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले और राहत बचाव कार्यों के लिए भी NDRF, SDRF और पुलिस की टीमें तैनात रहे।